प्यारे डुग्गर वासियों नमस्कार, मैं गुरचैन सिंह चाड़क आज परतिए थोड़े कन्नै रूबरू होना। मैं पिछली दफा आख्या हा कि 26 मई गी असें प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए डोगरा सदस्यता दी तरफा दा जिहड़े पिछले 25-30 साल दे बड़े इंपॉर्टेंट इशू लेई अस संघर्ष कराना चलाने आं उहदी अस गल करगे। पिछले बारी मैं टाइम दी गल कीती ही, आफिस टाइमिंग दी, कि जम्मू कश्मीर दे अंदर एक जैसे आफिस टाइमिंग होने चाहिए और साड़ी आदरणीय हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया उसका असें स्वागत किया। और जम्मू कश्मीर के अंदर यूनिवर्सिटियां और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इनका यूनिफॉर्म एकेडमिकल होना चाहिए, जम्मू सूबे के बच्चे और कश्मीर के बच्चे की एक जैसा उनके कन्ने इंसाफ हो, एक जैसा उन्हें मौका मिले। वो मैं गल बड़े विस्तार कन्ने कीती। आया दूआ इशू बड़ा इंपॉर्टेंट अस डोगरा सदस्यता जी लेइए बड़ी देर तक संघर्ष करा दी है, वो ये है कि 1872 च साढ़े आदरणीय महाराजा रणवीर सिंह जी ने उस वेले जिसलै साधने की बड़ी कमी ही और उन्होंने दरबार मूव करने की प्रथा शुरू की, ताकि उस वेले जी वास्ट एक स्टेट थी साड़ी उसी हर खिते की कोई इंसाफ मिल सके। उसलै ऐसे साधन नहीं थे, जहाज नहीं थे, गड्डियां इन्नी नहीं हैं कि लोग उत्थे जाई सकन और काम करवाई सकन। तो इस वास्ते गौरमेंट उनके कोल चली जाती है, उनके डोर स्टेप के उपर इंसाफ देने वास्ते। असें एक गल आखी उस वेले ठीक था, लेकिन अज जिस वेले सारे साधन साढ़े कोल ने और बिल्डिंगा साढ़े कोल दोने राजधानी के अंदर जी श्रीनगर के अंदर भी जम्मू के अंदर भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बने दा है और अस हर 6 महीने बाद 200 ट्रक भरियै फाइलें का कट्ठी करके ले आने, किन्ने दिन वो फाइलें बजदियां रहिंदियां, किन्ने दिन वो फाइलें उत्थे खुलदियां रहिंदियां, किन्ने दिन वो मुलाजम जिहड़े ने उस काम के फसे रहते हैं, किन्ने दिन मिलते हैं गौरमेंट चलाने की उन्हें 6 महीने चा कश्मीर चे और इन्हें 6 महीने जम्मू के लिए। तो असें आख्या कि भाई छोड़ो इसी, ये एक तो 500-600 करोड़ रुपया थोड़ा तबाह हो जो लोगों का काम आई सकता, नंबर दो फाइलें थोड़िया तबाह वाली जिंदा एक जिंदी कोई कीमत नहीं लगाई सकता, एक बार फटी जा तबाह हो जा फाइल तो लोगों इंसाफ नहीं मिलता। और ये कन्ने कन्ने जम्मू के मुलाजम जड़ा है, देखो कश्मीर के लोगों फिर उनका अपना दूआ घर जम्मू सूबे है, जम्मू के लोग ने हमें दसो कुत्थे घर है, कुत्थे रहते हैं कश्मीर जाइए, ये रोंदे ने होटल जो किराए पैसे जाते हैं और उन्हें होटलों में बड़ा बसा आदि जेल खाने ले जाते हैं, कैदी लेंगे सैक्रेट से जे उदे वापस। और अज जी हालत है वो ये है कि अज 6 महीने भी सैक्रेट फंक्शन नहीं करा जो 48 दिन गिनचे, इस वास्ते जम्मू के लोग कश्मीर जा नहीं सकते अपना काम कराने। अस ये आखने कि दरबार दोनों जगह 12 महीने फंक्शन करे, आखिर जी बड़ी गर्मी है, बहुत गर्मी है, अज मैं इन्हें दावे आखना चाहना भी मेरे घर साढ़े घर आन बहस कर इस देश के बिच इहदे कोला भी गर्म इलाके, लेकिन ये काम नहीं हुआ था। इस वास्ते ये खज्जल हुआ दे लोग और स्पैशली जम्मू के डोगरे वास्ते कोई सराह नहीं कश्मीर च, कोई अपना ठिकाणा नहीं है, कोई दूआ घर नहीं है। तो इस वास्ते उनके बेचारे वास्ते उनकी किस्मत कोई गवर्नेंस नहीं होंगी। असें मांग करने कि फौरन बंद किया जा और दोनों जगह जरा सैक्रेट जरा वो फंक्शन किया जाए। अभी पता लग मैं थोड़े दिन पहले पता लग गया जल्द हाई आनरेबल हाई कोर्ट ने ये उपर भी एक डिस्कशन की, हाई कोर्ट के अंदर बड़े विस्तार के कन्ने डिस्कशन के बाद उन्हें आख्या अपना अपना एक व्यूज उन्हें एक्सप्रैस किए कि गलत है, ये नजायज है, ये बिल्कुल गलत है, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। अज तुम मैं दसा मैं बड़े विस्तार कन्ने बाद च गल करें जो थोड़े कमेंट्स आवन, पर अज मैं आखना चाहना आदत यह है कि अगर 500 साढ़े अफसर ने तो उनकी 500 कोठियां जम्मू च ने, 500 कोठियां कश्मीर च ने, 500 गड्डिया इतने खड़िया, 500 काफिला उत्थे खड़ा है, उत्थे गार्डन इतने गार्डन वो फरनिश ने इतने फरनिश हो तो दसो मिगी कि जुर्म नहीं है लोगों के कन्ने। इस वास्ते असें आखने कि अस बहस करने तैयार हाँ और अस थोड़ी अदालत के बिच आनी गल करना चाहते हैं कि तुम भी अपने विचार रखो और जो जम्मू के लीडर्स ने चाहे पोलीटिकल पार्टी के सोशल संत हैं जो लोग हर चौराहे के बिच आखते हैं कि महाराज जम्मू के कन्नै ज्यादती होती, उन्हें अपील करना चाहना अज खुलिए बाहर आओ, ना लोगों के सामने आखो कि अस गलत आखा रहे, लोगों के सामने आखो कि अस ये जो डिमांड करा रहे हैं डोगरा सदस्यता करा दी है गलत है। तो अगर ये ठीक है
आओ एक प्लेटफार्म के उपर, आज लद्दाख को मसाल लाओ, उन्हें इन्ने हरे लोग ने उन्हें कट्ठे होइए अपना सब कुछ अलग करिए, उन्हें पता कि उन्हें कन्नै ज्यादती हो दी है, उन्हें संतानें कन्नै ज्यादती हो दी है, तो उन्हें उन्दे वास्ते इंसाफ मिले, उन्हें आखिर उन्हें हरजानी कर देंगे। आज असें तकलीफ होती है, अगर वाकई ईमानदारी कन्नै असें चिंता है जम्मू की और डोगरें चिंता ना लैने, अस आओ अज तुसेंगी अज अपील करने आं, आओ इस प्लेटफार्म के उपर। एह्दे कोला बड़ा तरीकी प्लेटफार्म डोगरा संस्था का बड़ा कोई है नहीं, इत्थों करने जिन्हें लीड करना अग्गे चलना, चलो अज थोड़े करने। अज तुस देखियो स्क्रीन के उपर साड़ा मेल आई डी, साड़ा व्हाट्सएप नंबर, साड़ा एड्रेस पूरा उधर चला दा है, वह दिखी लाओ। और मैं उम्मीद करना जियां पिछले इशू के उपर तुसें बहुत अच्छे विचार लोकें रखे न, बड़ा एप्रीशिएट किया है, बड़ी सपोर्ट असें की है। मैं उम्मीद करना कि तुस एह्दे उपर भी अपने कमेंट्स रखिए और असें मौका मिले। लीडरें भी मैं आखना चाहता सारे की जम्मू दे लीडर बड़ी चिंता दसदे न, उन्हें भी आखना चाहना कि खुली अपने विचार रखो ताकि अस दिखचै कि अगर ये इशू गलत है अस भी छोड़ देचै, और अगर ये ठीक है तो अस आने वाली जनरेशन के कन्नै एक बेइंसाफ नहीं करचै। इयै गल करदे होई मैं अपना अज का इशू इत्थे खत्म करना, और तुसें मैं प्रार्थना करना चाहना कि अगला इशू जो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसी लेइए कुछ दिन के अंदर मैं थोड़ा सामने आवाना। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़े इंतजार के विच, गुलचैन सिंह चाड़क, डोगरा सदर सभा, जय डोगरा।